जिसने एशिया कप जीता हुआ है और श्रीलंका को बड़े बुरे तरीके से कहले की शिकस्त दी हुई है उनकी कप्तानी के अंदर। सेकंडली ओडीआई की बात करें तो उन्होंने 10/10 की स्ट्रीक बनाई हुई है। स्ट्रीक तो हमारी भी 12 की थी T20 में। स्ट्रीक तो हमारी भी, स्ट्रीक से कुछ नहीं होता, बट रोहित शर्मा प्रीवियसली पास जितने भी कप देखे जाए उसमें फ्रीक्वेंटली हारे हैं। ख्याल था क्या रहा हमारे पास, कुछ रहे, उन्होंने हमें नंगा करके भेज दिया। नहीं कैसे हारेगी इंडिया का स्क्वाड आपने देखा है? जी देखा है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड उनसे काफी बेहतर है। मतलब कमाल के बॉलर थे बुमराह, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक चीज तो इंडिया को टफ टाइम होने वाला है क्योंकि इंडिया रिसेंटली आईपीएल खेल के जा रहा है, वहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं। अभी सबसे मेन चीज तो एनवायरनमेंट ऑफ द टीम वर्क करता है। अभी रोहित और हार्दिक पांड्या, यू नो अबाउट द कंट्रोवर्सी, ठीक है? कंट्रोवर्सी तो आईपीएल की, आईपीएल में चलती रहती है, बिकॉज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करेंगे 9 जून 2024 के लिए T20 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान दो बड़े हरीफ आमने सामने होने जा रहे हैं। अगर स्क्वाड की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है भारत का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, पाकिस्तान का अभी तक नहीं हो चुका। अगर ओपनर्स की बात करें तो एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ कह लें कि हमें रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, एक तरफ जयसवाल है, दूसरी तरफ साइम अयूब है। क्या कहना चाहते हैं कि किसका स्क्वाड ज्यादा बेहतर है, या ओपनर अगर देखा जाए तो किसके ज्यादा डेंजरस नजर आ रहे हैं? जी अभी अगर अभी तक की बात करें तो पाकिस्तान में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो पेयर है वो इस टाइम दुनिया में माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये चेंजिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल फेल हो रही है। अभी जो रिसेंटली ये आयरलैंड के साथ हमारी सीरीज चल रही है, इसमें अब देखा जाए कि जी आजम खान को लाया गया है, मोहम्मद हारिस को नहीं सिलेक्ट किया गया, हालांकि मोहम्मद हारिस की जगह बनती थी, जो उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में हमें परफॉर्मेंस दिखाई अपनी, मेरे ख्याल से उनकी जगह बनती थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हसन अली वो बकौल उनके कि वो कह रहे थे कि एक्सपीरियंस बॉलर हमें चाहिए था। मतलब भारतीय स्क्वाड की बात कीजिए तो आपने देखा होगा उसके अंदर हमें काफी ज्यादा यंग टैलेंट्स भी नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर में भी फिर से पर्ची सिस्टम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है आप देख चुके हैं आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड बैटिंग भी आप लोग देख चुके हैं कितने पानी में है पाकिस्तानी टीम। बाबर आजम की कप्तानी टोटली फ्लॉप नजर आ रही है। रोहित शर्मा एक लेजेंडरी बैट्समैन है जो कि कह लें कि और ये वर्ल्ड कप में 10/10 की स्ट्रीक बना चुके हैं, एशिया कप जीत चुके हैं। नहीं अगर आप बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम सलूट है उसको, वो एक कैप्टन सलूट है, उसके जैसा प्लेयर आज तक आप बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई आया है जिसने अभी तक पाकिस्तान को इतना ऊपर लेके गया हो, पाकिस्तान की रैंकिंग को ऊपर लेके गया हो। पाकिस्तान अपने ईमान से आप बताना, और ये वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग गए, ठीक है, पाकिस्तानी टीम गई, नंबर वन टीम थी, नंबर वन बॉलर थे, ठीक है, हमारे पास, और बाबर आजम नंबर वन बैट्समैन थे, जब वापस आई है तो क्या ख्याल था, क्या रहा हमारे पास, कुछ रहे, उन्होंने हमें नंगा करके भेज दिया? नहीं एक बात मैं आपको क्लियर करूँ कि जो हम हारे हैं, मानते हैं हम हारे हैं, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। जब आपके पिछले दिनों आपको शायद वर्ल्ड कप में पता हो कि जी बातचीत चली थी, न्यूज़ चली थी कि इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ रहे हैं, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर रिजल्ट भी इसी तरह के आएंगे। आपको लड़ाई हर जगह पर होती है, जब आपको पता है जब रोहित शर्मा ऑन द ग्राउंड किसी बैट्समैन या प्लेयर को डांटते हैं तो वो उसको एज अ अपनी कह लें कि किस्म का सिखाने के मतलब में आ जाता है। हमारी टीम ऐसी नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि 9 जून का मैच हम जीत पाएंगे। चलिए 9 जून को छोड़े, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आएगा इस बार, अभी 50-50 है, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कर सकता हूँ, अगर ये हमारा जो बॉलिंग एक्शन और बॉलिंग देखे जाए, हमारी क्या नाम है उसका, मोहम्मद आमिर को देखा जाए, शहनशाह अफरीदी को देखा जाए, उसके अलावा हारिस रऊफ, उम्मीद है कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, नसीम शाह को देखा जाए, अगर ये हमारा बॉलिंग सेटअप होगा तो उम्मीद है कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे। मतलब उम्मीद है, अभी भी 100% गारंटी नहीं है आपके पास, लेकिन अगर दूसरी तरफ का स्क्वाड पता है आपको? दूसरी तरफ नहीं, मैंने अभी नहीं। आप देखिए वहाँ पर जयसवाल आए हैं जिन्होंने बेसबॉल को टोटली उखेड़ के रख दिया है, हमें नजर भी आया जिस तरह से इंग्लैंड की धुलाई की उन्होंने, डबल सेंचुरी करने का रिकॉर्ड है। शिवम दुबे आईपीएल से उठ कर आए हैं, उसके बाद उनके पास कह लेंगे आपको नजर आ रहे हैं स्काई नजर आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, एंड बॉलिंग में अर्षर पटेल, अर्षदीप सिंह आपको नजर आ रहे हैं, मतलब कमाल के बॉलर थे बुमराह, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक चीज तो इंडिया को टफ टाइम होने वाला है क्योंकि इंडिया रिसेंटली आईपीएल खेल के जा रहा है, वहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं, वो उस हिसाब से वो उनको सूट ही नहीं करेगा, तो ये टफ टाइम होगा इंडिया के लिए, टफ टाइम होगा बिल्कुल। 9 जून की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान यानी कि पाक भारत टाकरा, दो बड़े हरीफ आमने सामने होने जा रहे हैं, क्या ख्याल है कौन किसको कितना टफ टाइम देगा?
जी इंशाल्लाह पाकिस्तान हर दफ़ा टफ टाइम देता है, भारत को पहले भी हर दफ़ा टफ टाइम दिया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पाकिस्तान इंशाल्लाह टफ टाइम देगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और इंडिया को जो है वो हार उनको देगा। इंडिया कैसे हारेगी? इंडिया का स्क्वाड आपने देखा है? जी देखा है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड उनसे काफ़ी बेहतर है। कैसे पाकिस्तान का स्क्वाड बेहतर है? जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका स्क्वाड था पाकिस्तान को और आयरलैंड के खिलाफ है, कह लें कि वही स्क्वाड हमें अभी भी नजर आएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? जी इंशाल्लाह वही हमें नज़र आएगा स्क्वाड, उसमें शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, आज़म खान है, इफ्तखार है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, ये हमारे अच्छे बहुत अच्छा बॉलर्स हैं। हसन अली के बारे में क्या ख्याल है? लोग कह रहे हैं पर्ची सिस्टम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहता है बॉबी द किंग और उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए एज ए 15th प्लेयर उसको ऐड किया गया है, हारिस रऊफ की जगह उसको ऐड किया गया है। अगर अल्लाह ना करे हारिस रऊफ इंजर्ड होता है तो हसन अली को फिर ऐड किया जाता है, अदरवाइज ये कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। पर्ची सिस्टम नहीं है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। ओके, अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज के लोग कहते हैं कि मे बी अमेरिका की फ्लैट पिचेस हैं, वहाँ पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो आपका ख्याल है कि इस बार पाकिस्तान भी उन फ्लैट पिचेस पे कुछ ना कुछ कारनामा सर अंजाम देगा? जी इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाब होगा और इंडिया को धूल चटाएगा। अभी तो दोनों टीम्स ही इक्वल हैं क्योंकि दोनों टीम्स ही प्रिपेयर नहीं है, वहाँ पे भी सिलेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं, पाकिस्तान में भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। दो सीरीज अभी हमारे पास खड़ी हैं आयरलैंड और इंग्लैंड की, तो टेस्टिंग्स चल रही हैं, बट वी विल प्रिपेयर फॉर द। ओके, आपने कहा कि अगर भारत की स्क्वाड की बात की जाए तो वो इतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा, जबकि अगर बात की जाए उनके ओपनर्स की तो एक तरफ हिटमैन खड़ा हुआ, दूसरी तरफ आप कह लेंगे जयसवाल, जिसने कहा कि नो बेस्ट बॉल ओनली जयसवाल नजर आएगा आपको क्रिकेट के अंदर, बिकॉज डबल सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो क्या लगता है कि उनका ओपनिंग पेयर और जो हमारा अपना ओपनिंग पेयर है उस पर क्या उतार चढ़ाव आपको नजर आ रहा है? बाबर आजम की कप्तानी कैसी नजर आ रही है और रोहित शर्मा की कप्तानी कैसी दिखाई दे रही है? बाबर आजम को कैप्टन अभी बहुत टाइम लगेगा एज अ कैप्टन, रोहित की बहुत एक्सपीरियंस है कैप्टनसी में, बेशक अपना जो रोहित शर्मा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट यू रिमेंबर वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ विद बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इंडिया, तो कमिंस बहुत अनएक्सपीरियंस कैप्टन है एज़ कम्पेयर टू रोहित, बट आपको पता है मैच का रिजल्ट क्या था। तो रोहित शर्मा को भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट येस हमारा भी ओपनिंग जो हमारा पार्टनरशिप है वो भी अच्छी है बाबर और साहिब। रोहित शर्मा को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये वही बंदा है जिसने एशिया कप जीता हुआ है और श्रीलंका को बड़े बुरे तरीके से कह ले कि शिकस्त दी हुई है उनकी कप्तानी के अंदर। सेकंडली ओडीआई की बात करें तो उन्होंने 10/10 की स्ट्रीक बनाई हुई है। स्ट्रीक तो हमारी भी 12 की थी T20 में स्ट्रीक तो हमारी भी, स्ट्रीक से कुछ नहीं होता, बट रोहित शर्मा प्रीवियसली पास्ट जितने भी कप्स देखे जाए उसमें फ्रीक्वेंटली हारे हैं, ठीक है, फाइनल सेमीफाइनल्स हारे हैं। सेम गोज फॉर अस, बाबर भी माशाल्लाह से सेमीफाइनल से क्वालिफाई करते हैं हर मरतबा, इंग्लैंड फाइनल खेला हमने वर्ल्ड कप, तो या वो टीम्स है। और सेकेंडली सबसे फर्स्ट चीज़ जो इंडिया की अभी करंट स्क्वाड है वो सब अनएक्सपीरियंसड है इन इंटरनेशनल T20s, दे आर ऑल फ्रॉम IPL, आई थिंक सो अपने यंगस्टर्स को काफ़ी प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास इतना अंबार है कह लेंगे प्लेयर्स के कि और किसी को मौका देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें जयसवाल नजर आ रहे हैं, शिवम दुबे नजर आ रहे हैं आपको, और शुभमन गिल आई थिंक सो के इस बार नहीं है, हार्दिक पांड्या बहुत कमाल के हैं, सूर्य कुमार यादव की अगर बात की जाए तो वो आपको इंक्लूड नजर आ रहे हैं। फिर बॉलिंग की अगर बात की तो अर्षर पटेल है, अर्षदीप सिंह है, और साथ में बात कर लें सिराज यादव एंड आपको बुमराह नज़र आ रहे हैं, तो आई थिंक सो आप कह रहे हैं कि उनका स्क्वाड काफ़ी वीक नज़र आ रहा है स्टिल क्योंकि मुझे जो लगता है कि उनकी अभी सबसे मेन चीज़ तो एनवायरनमेंट ऑफ द टीम वर्क करता है। अभी रोहित और हार्दिक पांड्या, यू नो अबाउट द कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी तो आईपीएल की आईपीएल में चलती रहती है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन अगर T20 स्क्वाड की बात की जाए तो ही इज वाइस कैप्टन। वही वाली बात है ना कि जब वाइस कैप्टन और कैप्टन का क्लैश आता है, जैसे बाबर और रिजवान सरफराज का आया था, तो ये आपको इशू फेस करना पड़ जाता है। तो क्या ख्याल है आपका कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ रह चुकी है, अभी टीम जो खेल के गई है पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे तरीके से, कह लें कि चले एक मैच जीते वाइट वॉश होने से बच गए, आयरलैंड के खिलाफ भी हमारी जो बॉलिंग है या बैटिंग है टोटली निल नज़र आ रही है, जीरो है, तो ये बॉलिंग एंड बैटिंग लेकर हमने T20 वर्ल्ड कप में जाना है? अभी तो यही है, अगर इंग्लैंड की सीरीज अभी बहुत डिसाइसिव हो, यही है, नहीं यही रहेगी, यही है, मैं यही बोल रहा हूँ, अभी वर्ल्ड कप के लिए यही स्क्वाड है हमारे पास, और कोई स्क्वाड है भी नहीं, ना कोई टैलेंट अभी अपफ्रंट खड़ा हुआ है, वी हैव जमान खान, वी हैव बट दे आर फॉर बैक बेंचर्स, सो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और मेरे ख्याल से अहमदाबाद के अंदर कह लें कि क्राउड हमारे पास एक्सक्यूज होते, क्राउड बहुत ज़्यादा था और पाकिस्तानी ने बड़ी अच्छा एक्सक्यूज़ दे दिया हम लोगों को, अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ऐसा ही है मेरे ख्याल से, हमें बहुत बहुत ज़्यादा अभी एफर्ट्स की ज़रूरत है, बट या वी बिलीव इन बाबर आजम, वी बिलीव इन पाकिस्तान।